नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। देश में लॉकडाउन 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। जी हाँ, इसमें स्पोर्ट्स क्लब, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, स्टेडियम सभी बंद रहेंगे बिल्कुल, और सभी तरह की और क्या क्या बंद रहेंगे। इसमें राजनीतिक दलों की रैलियाँ बंद रहेगी, धरना प्रदर्शन बंद रहेंगे, शादी में 50 से ज़्यादा मेहमानों को नहीं दी जाएगी रियायत, वहीं 20 लोगों को मृत्यु में। जी हाँ, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी बनाए गए हैं लॉकडाउन 4 में। मित्रों, लॉकडाउन 4 में थूकने पर पाबंदी जारी रहेगी, घर से निकलने पर मास्क लगा कर निकलना पड़ेगा, रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, लॉकडाउन तोड़ने पर सजा का प्रावधान रखा गया है घर से निकलने पर, और वर्क फ्रॉम में इजाज़त दी जाएगी, और अगर काम करते हैं तो उसमें थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा वर्किंग ऑफिसर्स। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी, खुले में अगर बाजार खुलता है तो इन शर्तों के साथ में खुलेगा दोस्तों, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सबसे ज़्यादा, दूसरा संक्रमण से बचने के उपाय करने होंगे जिसमें मास्क लगे होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर उपयोग करना पड़ेगा उन दुकानदारों को भी जो दुकानें खोल रहे हैं। भीड़ से कम किसी भी कीमत पर बचना होगा, कहीं पे भीड़ नहीं करनी होगी। जी हाँ, एक एक ग्राहकों को निवेड़ना पड़ेगा और दुकान में ग्राहकों की संख्या सीमित रखनी पड़ेगी, एक साथ भीड़ नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी लॉकडाउन 4 में। जी हाँ, दुकानों को पहला लॉकडाउन दोस्तों 21 दिन का था, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का, जिसमें हम सभी मित्रों ने 21 दिन तक प्रथम लॉकडाउन में प्रधानमंत्री के पालना की थी। दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन का रखा गया था। तीसरा लॉकडाउन हमारे सामने जो रखा गया था, हम सब ने पालना की 4 मई से 17 मई तक। जी हां, आज तक 14 दिन का रखा, और ये जो 18 से लेके 31 मई तक 14 दिन का फिर लॉकडाउन रखा है। मित्रों, ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे क्या चाहते हैं। जी हां, यही चाहते हैं कि कम से कम लॉकडाउन में आप ये सभी सीख लें, सब चीज़ें कैसे रहना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, किस तरह से आपको मास्क लगा के चलना है, किस तरह से हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हाथ धोने हैं बार बार, ये सभी आपको डेली लाना पड़ेगा। लॉकडाउन 4 में 5 ऑरेंज जोन जो बनाए गए, उसमें केस पहले क्या था, केस आए लेकिन हालातों में सुधार नहीं थे, क्या छूट था, ये सब देखिए आप, क्या कोरोना केस नहीं थे ग्रीन जोन में, अब लगभग सभी सुविधाएं शुरू हो गई है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरी रहेगा ग्रीन जोन में। रेड जोन में सटे इलाकों जहां पर संक्रमण फैलने का खतरा था, बफर जोन बना दिया गया, उसे क्या छूट है, प्रशासन नज़र रखेगा, उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। घर से काम करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ज़रूरी हो तभी आपको तभी बाहर बुलाएं, नहीं तो ऑफिस खोलने के नियम हैं जिसमें घर पर अगर ऑफिस खोलते हैं और बुलाते हैं तो थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की व्यवस्था ऑफिस वालों को करनी पड़ेगी, ये कर्मचारी अगर बुलाते हैं तो, नहीं तो घर से ही कार्य करना पड़ेगा। वक्त वक्त पर ऑफिस का सैनिटाइजर करवाना पड़ेगा, जो ऑफिस संचालित किए जा रहे हैं उनका थोड़े थोड़े दिनों में सैनिटाइजर का कार्य करवाना पड़ेगा। शिफ्ट बदलने के दौरान सैनिटाइजेशन होना चाहिए, जब भी अगर 2 शिफ्टों में काम हो रहा है तो शिफ्ट के बीच में एक बार सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद में अगला काम शुरू है। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना आवश्यक रहेगा मित्रों, जो काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेगा उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए ये जो ग्राफ रिकवरी रेट, देखिए मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें रिकवरी रेट बहुत कम थी, 7.7, अब रिकवरी रेट जो है वो बढ़ गई है, 37.5% हो गई। जी, मरीज ठीक होने शुरू हो गए हैं, पहले रोज मरीज 15% आते थे, अब रोज मरीज 5.8% आ रहे हैं, मतलब मरीजों में कमी हुई है। केस मृत्यु दर में 2.8% था, अब 3.15%, मतलब मृत्यु दर बढ़ी है मित्रों, और प्रभावित जिले 250 थे, अब बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गए। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है बिल्कुल। ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में दुकानें खुलेंगे, ये कंफर्म कर दिया है बिल्कुल। रेड जोन में दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्यों के अधीन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें अगर रेड जोन में कोई राज्य खोलना चाहता है तो उसमें कोई मना नहीं है, रेड जोन में खोल सकता है। फैक्ट्री, प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे लेकिन नियमों के तहत खुलेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और ऑफिस का भी सैनिटाइजेशन करना, राज्यों को लेने के फैसले का अधिकार दिया है।
राज्य चाहे तो खोलेंगे, राज्य नहीं चाहेंगे तो नहीं खोलेंगे। ये सभी फैसले राज्य सरकार के हाथ में दे दिए हैं गवर्नमेंट ने। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है हमारे पास में। विभिन्न गांवों में माइक के द्वारा देखिए किस प्रकार से जन जागृति अभियान। ये धनापुरा का गांव है जिसमें जन जागृति की जा रही है माइक के द्वारा। सुनिए क्या कह रहे हैं। घर से बाहर न निकले, धारा 144 के तहत पूरे गांव को सील किया गया है। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, अगर धारा 144 का उल्लंघन करने पर पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज के गांव धनापुरा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज प्राप्त होने के कारण पूरे गांव को सील किया गया है। पूरे गांव को इसके अलावा दूसरे गांवों में भी जन जागृति अभियान के तहत देखिए किस प्रकार से जो जन प्रतिनिधि और जो राज्य कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से जन जागृति कर रहे हैं। सुनिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। जी हाँ, कोरोना के जो पॉजिटिव केस मिले थे पावा में, जी हाँ, पहले एक था और चार और आज जो मिले उन्हें प्रशासन ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जो क्वारंटाइन जोन बना रखा है, जो सेंटर बना रखा है क्वारंटाइन सेंटर उपखंड स्तर पर सुमेरपुर में, उसमें शिफ्ट किया गया। देखिए किस प्रकार से चारों जो पावा गांव के हैं ये, और पावा के चारों जो हैं, देखिए फर्स्ट बुजुर्ग, फिर बुजुर्ग महिला, फिर दो महिलाएं और, मतलब चार लोगों को प्रशासन ने अपने क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया है। बिल्कुल, जो चारों पॉजिटिव केस आ गए थे। तो देखा आपने किस प्रकार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, पाली एसडीएम क्या कह रहे हैं। पाली एसडीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोरोना को लेकर। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज पाली जिले में 522 जो सैंपल थे उनके रिजल्ट आए थे, जिसमें कि 14 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कि 3 पाली शहर के हैं, 2 पाली रूरल के हैं, 7 सुमेरपुर के हैं, 1 रायपुर का है और 1 मारवाड़ जंक्शन जोजावर का है। इसके आने के साथ हमारे जो कम्युलेटिव पॉजिटिव है पाली जिले के वो 127 हो गए हैं, जिनमें से कि 44 रिकवर कर गए हैं, 3 की डेथ हुई है और 80 एक्टिव केसेस हैं। इसी के साथ जो हमारे टोटल सैंपल्स हैं वो 3255 हो गए हैं और अभी भी 520 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। ये रिपोर्ट जोधपुर और पाली मेडिकल कॉलेज दोनों ही जगह से आएगी। पाली शहर की बात करें तो 3 नए कंटेनमेंट जोन खोले गए हैं, एक बापू नगर में जो पुराना श्रीराम अस्पताल है उसके सामने, एक अशोक नगर हाउसिंग बोर्ड में और एक जवाहर नगर मंडिया रोड में। तो अब मंडिया रोड पे 2 कंटेनमेंट जोन्स बन गए हैं। इसी के साथ जो कल आदेश निकाला गया था, जो श्रीमान कलेक्टर साहब ने निकाला था, तो मंडिया रोड इंडस्ट्रियल एरिया भी अब खोल दिया गया है और उसमें अब आवेदन लेकर के पास जारी करे जा रहे हैं ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू हो सके। और जो ट्रेन्स जो श्रमिकों के लिए चल रही थी, तो आज पहली ट्रेन अभी से 5 मिनट बाद यूपी के लिए जाएगी। इसी के साथ कल सुबह बंगाल के लिए और परसों फिर से यूपी के लिए एक ट्रेन और जाएगी। और इसी के साथ जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग है वो और बढ़ाई जा रही है, और जो जो कंटेनमेंट एरियाज जहाँ से कोई भी एक्टिव केसेस नहीं है और रैंडम सैम्पलिंग पूरे हो चुके हैं, तो अगले कुछ दिनों में उनको भी खोलने के ऊपर विचार करेंगे।
सर रैंडम ये अपने रिपीट सैंपल में कितने पॉजिटिव आए सर? रिपीट सैंपल में जितने भी आए थे उसमें सिर्फ 10 हैं जो 24 घंटे के अंदर लगातार फिर से निगेटिव आए, और 10 ही लोगों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है, और इनमें से 9 नाड़ी मोहल्ले के हैं और 1 पाँच मौका के हैं। 9 जो है वो वापस रिपीट सैंपल में पॉजिटिव आए हैं सर? सॉरी निगेटिव आए हैं, रिपीट जो ये 24 घंटे के अंदर दोबारा निगेटिव आए हैं। बाकी जितने भी थे जो हमारे केसेस हैं जो 80, इनमें से 70 अभी भी रिपीट लगाया गया था, इनके अभी भी पॉजिटिव आए, बाकी उनका रिपीट अभी नहीं लगाया क्योंकि 5 दिन नहीं हुए इनके। नहीं अभी नहीं हटा क्योंकि उसकी गाइडलाइन थोड़ी अलग है, क्योंकि आज ही छूटा है तो उसके बाद अगर 14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता है तब उसको बात खोला जाएगा। लेकिन उसमें जो चेंजेस करने हैं उस पर, जैसे मैंने आपको बताया, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे कुछ और उसके बेसिस पे अगले कुछ दिनों में डिसीजन लेंगे उसको खोलना है कि नहीं। छुट्टी दे देंगे? हाँ छुट्टी, उसमें जो महिला थी उनको छुट्टी दे देंगे। रिलीज कर दिया?